फाइनली मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुकी हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो बिना कुछ बोले ना मैं आपको लेके आ गई हूँ सीधा अपने किचन में, क्योंकि घर तो पूरा अभी फैला हुआ है। धीरे धीरे सारी चीजें शिफ्ट होंगी, सही से होगा, तरीके से होगा। किचन में भी अभी बहुत सी चीजें रह गई हैं, लेकिन ना मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि मैं जल्दी से अपने किचन को डेकोरेट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते थे कि मैं अपने फ्लैट में कब शिफ्ट होंगी। तो फाइनली वो दिन भी आ गया। तो यहाँ ना मैंने क्या किया है कि मुझे ना टी कॉर्नर बनाना था। जब भी मैं कोई रील्स वगैरह देखती थी ना, तो उसमें मैंने बहुत सी रील्स में देखा था कि अच्छे अच्छे से जो किचन को हमेशा डेकोरेट जो करते हैं ना, उनके पास टी स्टेशन, टी कॉर्नर जरूर होता है। और हमारे यहाँ भी चाय वगैरह बहुत ली जाती है, तो इसी वजह से ना मेरा भी बहुत दिल था कि मैं अपने किचन को जब भी सजाऊंगी ना, तो वहां पर एक टी कॉर्नर या टी स्टेशन जरूर बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसी पर्पज से इस टी कॉर्नर को बनाया। तो यहाँ पे कप वगैरह, प्लेट्स, मतलब टी के लिए जो भी चीजें अवेलेबल होती है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे मैंने उखली भी छोटी सी रख दी है अदरक वगैरह कूटने के लिए। कोई भी चीज अगर मेरे अलावा कोई भी मेरे किचन में आएगा ना, तो किसी को भी कोई भी चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आंखों के सामने नजर आ जाएगी। और मुझे खुद को भी ये चाहिए था कि मैं जब भी कुकिंग करूँ तो सारी चीजें मेरे सामने ही हो, ताकि मुझे कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे ना इस तरीके से टी कॉर्नर बनाया। फिर उसके बाद ऊपर ये ऑनलाइन जो परचेस किए थे वो मैंने डेकोरेट किए, साइड में छोटा सा फ्लावर रख दिया है। और ये जो गैस देख रहे हैं ना, ये मुझे मेरी शादी के टाइम पे मिला था, तो ये मैंने अब निकाल लिया है। तो बड़ी खुशी हो रही थी। और इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेस की है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोकल मार्केट से भी ली है, और बहुत सी चीजें ऐसी भी है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो ये मैंने जो है ना ऑयल का ये जार लिया था, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। अच्छा, मैंने ना पहले से ही सोच रखा था कि मैं किचन के लिए जो भी चीजें लूंगी ना, जितने भी जार्स वगैरह लूंगी ना, सब मैं कांच की लूंगी, क्योंकि प्लास्टिक ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो वॉशेबल नहीं होती है, उसका कलर बिल्कुल फीका पड़ने लग जाता है। और ये जो मैंने जार लिए ना, ये आराम से अच्छे से वॉशेबल है और हमेशा शाइन करते रहेंगे। अच्छा, ये वाला बॉक्स जो है स्पैचुला का, ये आपने देखा ही था, मैंने खुद से बनाया था। तो मैंने इसे बनाया था उस टाइम पे, तो मैंने कहा कि इसे मैं स्पैचुलास रखने के लिए यूज कर लेती, तो काफी अच्छा लग रहा था। तो और यहाँ पे मैंने एक रैक और रख रखा है, उस पर मैंने ये सारे जार्स जो है कांच वाले ये डाल दिए हैं। अच्छा, इसमें से एक जार जो है ना वो रह गया था, तो अभी मैंने उसमें डिसाइड नहीं किया कि क्या रखना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं डाल ही दूंगी। और ये जो स्पून का स्टैंड देख रहे हैं ना, ये भी मेरी शादी के टाइम का है, तो ये काफी खूबसूरत था, तो ये भी मैंने अभी निकाल लिया है, क्योंकि मुझे अपने किचन को ना बिल्कुल अच्छे से मेकओवर करना था, बहुत ही अच्छे से। और मुझे इतनी खुशी मिल रही थी ना जब सारी चीजें मैंने करी ना, और इतना खूबसूरत किचन लग रहा था ना। अभी तो पूरा घर वैसे ही रखा हुआ है, मतलब कि अभी पूरा घर सवारने में एक हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा। तो होम टूर भी मैं जरूर दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल किचन ही दिया है। तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स भी आप लोगों ने देखा था, तो मैंने बॉक्सेस वगैरह जो है ना वो बना लिए थे, फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से इन्हें यूटिलाइज किया। तो मैंने यहाँ पे साफी वगैरह रखने के लिए ना इसे यूटिलाइज किया, इसे डबल साइड टेप से चिपका रही थी ना, बार बार गिरे जा रहा था, फिर मैंने इसे हुक के स्टैंड में लगा दिया। और ये इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था कि कोई भी चीज ना मुझे नजरों के सामने मिल जाए, और कोई और भी आए ना, तो किसी को कुछ पूछना नहीं पड़े कि ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। कभी कभार क्या होता है, ऑलमोस्ट ये होता है ना, जब भी हम कुकिंग करने जाते हैं ना, तो हर चीज हमारी ना बिखरी भी होती है, हमें ढूंढनी पड़ जाती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और जब सब चीजें सही तरीके से रखी हो ना, तो कुकिंग करने में भी खुद को ही अच्छा लगता है। और जब किचन इतने अच्छे से डेकोरेट हो ना, तो सबको अच्छा लगेगा किचन में कुकिंग करने में। तो यहाँ पे ना ये स्टैंड भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, तो इस वाले स्टैंड पे मैंने जितनी भी साबुन, चूना वगैरह, ये सब चीजें जो होती है ना बर्तन वगैरह धोने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने रख दी हैं कि जब भी खत्म हो फटाफट से लो और धो लो। और यहाँ पे मैंने वाइपर यहाँ पे इस तरीके से टांग दिया है। फिर उसके ऊपर जस्ट मैंने यहाँ पे रैक लगा रखा है, ये देखिए। तो रैक में जो भी बर्तन है ना, ये भी मेरी शादी के टाइम के है, तो मैंने इन्हें अब निकाला है। इसमें से बहुत से बर्तन अभी मैंने रख दिए हैं, थोड़े बहुत जो है वो निकाल लिए हैं। इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया। ये जो स्पैचुलास मैंने यहाँ पे टांग रखे ना, इनका भी कोई इतना कोई ठिकाना लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये जो आप पौधा देख रहे हैं, मैंने ये डाल दिया, ये आर्टिफिशियल है, तो मैंने इसे लगा दिया, क्योंकि ना मुझे थोड़ी थोड़ी सी ना ग्रीनरी चाहिए थी अपने किचन में, मतलब आंखों को अच्छी लगती है, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा ग्रीनरी करने के लिए मैंने यहाँ पे ये फ्लावर पॉट इस तरीके से लगा दिया है। तो ये आर्टिफिशियल यहाँ पे भी लगाया मैंने, टी कॉर्नर में भी रखा, तो काफी खूबसूरत लग रहा था।
बहुत सी चीजें ना अभी सजाने के लिए रह गई है, मतलब सवारने के लिए। सारी चीजें जो होती है ना, जब भी हम घर शिफ्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा फैला हुआ हो जाता है, तो जिस वजह से ना काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जितना भी अभी मैंने किचन में किया ना, वो इतना ज्यादा खूबसूरत लगा था, मुझे इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि हाँ मैंने कुछ किया है अपने किचन में। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये हुक भी ना ऑनलाइन ही मंगवा लिए थे कि वॉल में होल करने से अच्छा है कि हम ये हुक लगा करके इस तरीके से स्टिक कर दे, तो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज्यादा। तो ये मैंने पहले से नहीं सोचा हुआ था, लेकिन एकदम से मुझे आइडिया आया कि मैं यहाँ पे इस तरीके से सारे जो ये है ना पैन वगैरह, तो मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँ। फिर उसके बाद इस साइड पे गैस के ऊपर एकदम यहाँ पे मेरा बॉक्स लगा हुआ है, तो उस बॉक्स में मैंने ये छोटे छोटे वाले जो जार है ये डाल दिए हैं। ये भी कांच के ही है सारे। और ये जो चावल वाला देख रहे हैं ना आप रंग बिरंगा, तो ये वाला तो आपने देखा ही था ना, तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया अभी फिलहाल के लिए। अगर कहीं और पे मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वहां रख लूंगी, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे रख लिया है। फिर सारे मसाले वगैरह सब डालने के बाद ना इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब खुद को ही दिल कर रहा है बार बार कि मैं अब कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ फटाफट से। और कितने जार्स तो मेरे खाली भी हैं, तो उनमें भी अभी फिल करना रहता ही है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो रोज वाली चीजें हैं खाना बनाने के लिए यूज होती है, वो मैंने एकदम फ्रंट में रख ली है नीचे रैक में और यहाँ पे, कि बार बार मुझे बॉक्स को खोलना ना पड़े इसी वजह से। और फिर उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में ये देखे, मैंने ये छोटे बड़े स्टील वाले जो डब्बे हैं, ये मेरी शादी के टाइम पे है, तो इनमें मैंने दालें वगैरह रखी है जो कभी कभी यूज होती है, तो वो चीजें जो है मैंने अंदर डाल दी है। और जो हमेशा यूज होती है वो मैंने नीचे रख रखा है। बाकी सारी चीजें जो है जो कभी कभी यूज करते हैं किसी किसी टाइम, तो वो चीजें मैंने ऊपर रख दी है। तो वहां पे मैंने डब्बे वगैरह ये सब, रोटी का डलिया वगैरह ये सब रख दिया है। इस वाले इसमें मैंने ऊपर पतीली वगैरह कढ़ाई वगैरह ये रख दिया है, नीचे मिक्सर ये सब रख दिया है, ताकि ये सब चीजें जो है ना वो बाहर फैली भी हो ना किचन के नीचे वगैरह भी, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसीलिए ना मैंने कहा कि मैं जार्स को जो है बाहर रख लेती हूँ, और जो कम चीजें यूज होती हैं वो मैं ऊपर अंदर ढक करके रखूंगी। फिर नीचे जो देख रहे हैं ना आप अच्छे तरीके से, अभी ये मैंने रखा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने ऐसे रख दिया था। मतलब मुझे किचन सजाने के बाद इतनी ज्यादा हो रही थी कि मैं फटाफट से वीडियो बनाऊं और अपने आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसी वजह से ना। और जैसे जैसे चीजें मैं संवारती चली जाऊंगी, रखती चली जाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये था मेरा फाइनल लुक मेरे किचन का। तो मैंने इस तरीके से ना थोड़ा बहुत कोशिश करके मैंने सजा लिया, लेकिन मुझे खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हाँ मैंने अपने किचन को बहुत अच्छे से कर लिया, जैसे मुझे चाहिए था ना मैंने सेम वैसे ही अपने किचन को सजा लिया है। और इतना ही होना बहुत जरूरी भी होता है, किचन को अच्छे से संवारना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब किचन अच्छे से सवारा हुआ होता है ना, अच्छे से खूबसूरत से लगता है ना, तो हमें खुद को बहुत चाहत होती है, खाना बनाने में मन भी लगता है और खाना बहुत अच्छा बनता है फिर। और अगर किचन फैला हुआ होना तो किचन में जाने का मन ही नहीं करता है। तो यही सब सोच के ना मैंने कहा कि मैं अपने किचन को इस तरीके से सजा लूं। तो मैंने अपने पूरे घर में आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने किचन को ही सजाना जरूरी समझा, कि यही तो है मेरा मेन चीज, क्योंकि हम औरतों का टाइम अपने घर से ज्यादा ना किचन में बीतता है। और पूरे घर में ना सिर्फ यही एक कॉर्नर होता है जो हमारा फेवरेट हो जाता है, जहाँ पे हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो इसीलिए ना मैंने इसे ज्यादा से ज्यादा सजाने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो यही था मेरा किचन, और मुझे तो मेरा किचन बहुत पसंद आया। आप लोगों को मेरा किचन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैं ये चीज़ बना रही हूँ, जितने भी DIY किए थे, मैं पूरा होम टूर नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने जितने भी चीज़ें लगा दी है ना वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से मैंने वॉल पे जो है यहाँ पे लगा दिया है। जब पूरा घर अच्छे से सिमट जाएगा ना, तब जब आप लोगों को होम टूर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, तो इंशाल्लाह मैं होम टूर भी दूंगी। लेकिन अभी फिलहाल मैंने ये सब चीजें दिखा दी हैं आप लोगों को, जो भी मैंने अपने हाथ से DIY किए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।